Hi friends, kaise hain? Welcome to Drone Detector once again. Thank you very much for the response you are giving to my channel. तो आज एक नया अपडेट लाया हूँ मैं आपके लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये है रिलेटेड टू ड्रोन रेगुलेशंस. व्हाट इज़ द गवर्नमेंट डूइंग राइट नाउ टू मेक एवरी ड्रोन NPMT कंपैटिबल. काफ़ी लोगों के पास ड्रोन अभी भी हैं, और ये अनुमान लगाया गया है और एस्टिमेट लगाया गया है कि ऑलमोस्ट 6 लाख से ज़्यादा ड्रोन्स इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं एट प्रेजेंट. यस, आपके पास है, हमारे पास है. तो काफ़ी लोगों ने डीलर से DJI के ड्रोन्स और इधर के ड्रोन्स और उधर के ड्रोन्स ले रखे हैं. तो इन ड्रोन्स को हैंडल करने के लिए अब एक जो मॉड्यूल के बारे में बात की जा रही है उसका नाम है RFTM. अब RFTM मॉड्यूल क्या है और क्या है इसके बारे में जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना ज़रूरी है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ. रेगुलेटरी फ्लाइट ट्रैकर मॉड्यूल है इसकी फुल फॉर्म, और इसका मतलब ये है ये एक ऐसा गैजेट है जो कि एग्जिस्टिंग ड्रोन्स के ऊपर लगा दिया जाएगा, और जब वो आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे तो इस गैजेट के हेल्प से वो ट्रैक हो पाएगा, क्योंकि उसमें एक GPS मॉड्यूल लगा हुआ है, और इसके साथ ही इन्होंने NPMT कंपैटिबिलिटी का मॉड्यूल भी लगा दिया ताकि वो NPMT कंपैटिबल हो जाए. तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चन था ये सवाल में कि हमारा DJI का ड्रोन है उसमें ऐसा कुछ नहीं है तो वो कैसे होगा. पहले ये बात आ रही थी कि अपडेट आ जाएगी DJI की तरफ से और वो NPMT कंपैटिबल हो जाएगा, तो वो चीज़ें होने में थोड़ा टाइम लग रहा था. तो गवर्नमेंट ने अब ये सोचा है, ये प्रपोज़ किया गया कि काफ़ी जो एक दो इंडियन कंपनीज हैं वो इसके मैन्युफैक्चर में इन्वॉल्व हैं, और वो ये मॉड्यूल को तैयार करेंगे, और ये मॉड्यूल जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपका ड्रोन NPMT कंपैटिबल हो जाएगा. क्योंकि इस मॉड्यूल में एक तो GPS लगा हुआ है जिससे वो ट्रैक कर पाएंगे कौन सा ड्रोन कहाँ उड़ रहा है, और नंबर दो इसमें NPMT कंपैटिबिलिटी के लिए भी ऑप्शन है जिससे आपको NPMT कंपैटिबल ड्रोन हो जाएगा, और उनकी ऑनलाइन कमांड्स के बेसिस पर परमिशन उसको आपको मिलेगी तभी वो टेक ऑफ करवाएगा, अदरवाइज ये मॉड्यूल आपके ड्रोन को टेक ऑफ नहीं होने देगा. तो ये चीज़ें थी जो कि काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, और ये अपडेट आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और DJI की तरफ, और काफ़ी कंपनीज, इंडियन कंपनीज इसमें इन्वॉल्व है इसको मैन्युफैक्चर करने में, इस मॉड्यूल को, और मॉड्यूल है RFTM. और सून आपको पता लगेगा, फिर बने रहे चैनल के साथ कि कब ये आपको मिलेगा और किस तरह से इसको एक्वायर करना और अपने ड्रोन पर लगाना ताकि आपका ड्रोन NPMT कंपैटिबल हो जाए. तो सब बन रहे हैं सब चैनल के साथ, क्योंकि हमें भी इंतज़ार है ताकि हम भी अपना ड्रोन रजिस्टर करा के प्रॉपरली NPMT का बड़े बना के लीगली इसको उड़ा सकें. काफ़ी ड्रोन शॉट्स पेंडिंग है मेरे, काफ़ी ड्रोन ट्रिप्स मैंने में लगाना चाहता हूँ, कि सिर्फ ये लीगलाइजेशन के चक्कर में सब रुका हुआ है. तो काफ़ी लोग हैं इसके पीछे जो जानना चाहते हैं कि उनका ड्रोन लीगल हो जाए, काफ़ी वेडिंग शूटर्स, काफ़ी लोग, क्योंकि सबको प्रॉब्लम है कि हम लीगल तरह से काम करें. तो जब ये चीज़ें आ रही हैं तब आएंगी तो आपको भी फ़ायदा होगा. तो प्लीज़ जो जो भी ड्रोन से रिलेटेड लोग, मतलब 6 लाख ड्रोन है तो इसका मतलब काफ़ी लोग इंडिया में ड्रोन उड़ा रहे हैं, उड़ाना चाहते हैं, और आने वाले टाइम में ये नंबर बढ़ जाएगा. तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल, एंड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन, कुछ भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू RFTM तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और दिस इज़ द फ्यूचर. और आई थिंक इसी तरह से NPMT कंपैटिबल जो एग्जिस्टिंग है वो बनेंगे, और जो नए ड्रोन आएंगे वो तो ऑलरेडी उसमें मॉड्यूल अंदर से ही लगा होगा, लेकिन जो एग्जिस्टिंग ड्रोन है अराउंड 6 लाख जैसे एस्टिमेट लगाया गया, तो उनको NPMT कंपैटिबल बनाने के लिए उनको ट्रैक करने के लिए ये मॉड्यूल तैयार किया गया, और ये जल्द ही मार्केट में आएगा. तो प्लीज़ इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ड्रोन लवर दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए. आपका दोस्त ड्रोन टेक डॉक्टर ऑलवेज देयर फॉर यू. थैंक यू वेरी मच.